पूरी दुनिया आज नोवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस मौके पर जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दिया। हालांकि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ऐसा जवाब दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है। थरूर ने योग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भाजपा नीत केंद्र सरकार को भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने सुबह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करते हुए तस्वीर शेयर की। इसके साथ ही लिखा, पंडित नेहरू को धन्यवाद जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। इस पर शशि थरूर ने पार्टी की हाँ में हाँ तो जरूर मिलाई, लेकिन साथ ही एक सीख भी दे दी। थरूर ने लिखा, जरूर हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर लोकप्रिय बनाया। इसमें हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। मैं दशकों से कहता आ रहा हूँ, योग हमारी सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है। इसे मान्यता मिलने देखना अच्छा लगता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके शशि थरूर समय समय पर पार्टी को सीख देते रहते हैं। थरूर ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी के लिए आवश्यक है कि वो आत्मसंतुष्ट नहीं हो, क्योंकि मतदाताओं का रुख प्रदेशिक और राष्ट्रीय चुनावों के बीच बदल सकता है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि इससे कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। लोकसभा सदस्य थरूर का कहना है कि कांग्रेस ये मानकर नहीं चल सकती कि जो चीजें प्रदेश के चुनाव में काम कर गईं, वो राष्ट्रीय चुनाव में भी काम करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।